Assalamu alaikum student, hope you all are fine. This is your YouTube channel Math with Shazia. I am here with you. My name is Shazia Fahad and this is your exercise 3.4 from your class 9th math book. And this is your question number 1. Find the number of binary relations in the following cases. फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाइनरी रिलेशन क्या चीज होती है. बाइनरी रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स जो होते हैं दैट इज नोन एज द बाइनरी रिलेशन. ठीक है. अब बिल्कुल आसान अल्फाज में जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ दैट इज कि बाइनरी रिलेशन क्या है कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है. अब कोई सी भी दो वैल्यूज हैं, अब एक ये वैल्यू दूसरी ये वैल्यू है. ठीक है. अब आप सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है किस तरह से निकालते हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 1 0 का एक पेयर बनता है, 1 2 का, 1 4 का, फिर 3 0 3 2 एंड 3 4 का पेयर बनेगा. ठीक है. अब वो इस तरह से बनेगा 1 0 1 2 1 4. ठीक है. उसके बाद बनता है 3 0 3 2 एंड 3 4. दीज आर ऑल द कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपने सबसेट निकालने हैं. सो दीज आर नोन एज द बाइनरी रिलेशन. ठीक है. अब इसके जो सबसेट होंगे ना वो बेसिकली क्या है उनको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन को. रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4 के नाम से जाना जाता है. ठीक है. वो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे. अभी इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है. फाइंड द नंबर, जस्ट द नंबर ऑफ द बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस. अब पहला केस उन्होंने क्या दिया. पहला केस ये दिया है आपको ए के 2 एलिमेंट्स दे दिए और बी के 3 एलिमेंट्स दे दिए. आपसे कहा जा रहा है इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बताएं. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे. आप सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये आपका सोल्यूशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आई है. इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है 2 क्रॉस 3, यानी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है 6. ठीक है. अब नंबर ऑफ, अब आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन. अब बाइनरी रिलेशन निकालने का फॉर्मूला ये है कि आप करते हैं बहुत लंबे उसमें चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल लिखेंगे. 2 की पावर लिख देते हैं ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. सो इसके बाइनरी रिलेशन आगे हैं 64. वेरी सिंपल, कोई बहुत लंबे चौड़े चक्रों में, कोई बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशंस में नहीं पड़े हैं. सिंपल एंड सिंपल वर्किंग है. आपने सबसे पहले समझना कि बाइनरी रिलेशन क्या है. बाइनरी रिलेशन है कि आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मैं आपको रिमाइंड करवा दी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. ठीक है. इसके जो आप सबसेट लेंगे ना दैट आर नोन एज द बाइनरी रिलेशन. ठीक है. अब सबसेट निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, 2 की पावर बनाते हैं हम जो भी दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है. ठीक है. दिस इज हाउ यू सॉल्व योर पार्ट 1. अब आपका पार्ट 2 है, उसमें उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी जो है दैट आर द 7. ठीक है. अब एक बात याद रखिए, जब भी आपको वन सेट गिवन हो तो उस सेट को हम उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. ठीक है. अब हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी, तो इसमें कितने होंगे, 7 × 7 जो के बनेगा 49. अब इसके बाद क्या है,
अब इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। अब इसका आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन में आप क्या करेंगे, 2^49। अब आप चाहे तो कैलकुलेटर पे 2^49 का आंसर निकाल लें, या आप चाहे तो एज इट इज भी आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, योर थर्ड पार्ट इज डी इक्वल्स टू 135। यू हैव ओनली वन सेट। अब इस वन सेट में क्या करेंगे हम, कि हम इसी को इसी के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी। अब डी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी आर 3। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, अब इसके डी क्रॉस डी में एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस डी, यानी 3 × 3 becomes 9। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या बनेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आप उनको किस तरह से करेंगे, आपको पता है 2^ ये वाली पावर यहां पे आ जाएगी 2^9। अब आप चाहें तो 9 times मल्टीप्लाई कर लें, या 2^9 भी लिख देंगे, एंड दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस, मेंशनिंग द नंबर ऑफ द बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। यानी आपने पहले तो आपने नंबर बताए थे, अब आप क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बताएंगे कौन से, हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, वो वही जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला लगा देते, वही फॉर्मूला लगा के पहले हम नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इसका क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर करते हैं m क्रॉस n, m बेसिकली a क्रॉस b आप इसे कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा a सेट में है 3 एलिमेंट्स और b सेट में है 1 एलिमेंट, तो 2^3, 2 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इट मींस के इसमें 8 total बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, अब वो 8 binary relations हम आपको बना के बताएंगे कि किस तरह से बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यानी हम a क्रॉस b फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब a क्रॉस b किस तरह से निकालते हैं, कि इसको बारी बारी सेकंड के साथ करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का पेयर बनाएंगे क्यूब रूट 5 के साथ 1, उसके बाद स्क्वायर रूट 3 का क्यूब रूट 5 के साथ पेयर बना 2, और उसके बाद थर्ड वाला बनेगा स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट 5। सो दैट्स ऑल, दीज आर द ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके आपने सबसेट बेसिकली फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने को बोलते हैं हम सबसेट फाइंड आउट करना। सो बाइनरी रिलेशंस की हेडिंग दूंगी मैं, बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, बाइनरी रिलेशंस को किससे शो किया जाता है, आर से शो किया जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास आर कैसे बनेंगे, पहला आर क्या होगा आपका, फर्स्ट आर आपका बनता है बाइनरी रिलेशंस का, फर्स्ट आर बनता है आपका एम्प्टी सेट, हमेशा पहला क्या होता है एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद आ जाए आर वन, पहले आपने वन वन करके मेंशन करने। ठीक है, आर वन आपका बना स्क्वायर रूट 2 एंड क्यूब रूट 5। ठीक है, आर टू आपका बना सेकंड वाला। ठीक है, आर थ्री आपका बना थर्ड वाला,
सॉरी दिस इज योर आर वन, सॉरी आर टू, दिस वन इज योर आर थ्री, दिस वन इज योर आर फोर, ये आपका आर फोर है, ठीक है। एम्प्टी को मैंने काउंट ही नहीं किया था। आर फोर, आर फोर के बाद आ जाए रिलेशन फाइव। बाइनरी रिलेशन फाइव क्या होगा, पहले वन वन करके बताया, अब टू टू करके बताएं, इन दोनों का पेयर बनाएं, फिर फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनाएं, ठीक है। अब ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट टू, क्यूब रूट फाइव एक, और इसके साथ सेकंड वाला मिला लें आप। तो अगर मैं इसको वन टू थ्री का नेम देती हूँ ताकि फिर आपको लिखने समझने में आसानी हो जाए। सो रिलेशन फाइव हमारा बना वन टू, ठीक है, और रिलेशन सिक्स बना टू थ्री। मैं रेड से लिखूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंपेयर करने में आसानी हो, ठीक है। दिस वन इज योर वन टू एंड थ्री, आप खुद भी लिख लीजिएगा ताकि आपको बजाय नंबर बोलने के वन टू बोलेंगे तो आसानी होगी। पहला एम्प्टी होता है, फिर आपका वन होता है, एम्प्टी होता है, फिर वन होता है, फिर टू होता है, फिर थ्री, फिर इस थ्री के बाद होता है वन टू, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ वन थ्री, ठीक है, इनका पेयर बना रही हूँ। वन थ्री बनेगा मेरे पास स्क्वायर रूट टू, क्यूब रूट फाइव, और एक पेयर वन लिखा, इसके साथ मैं थ्री मिला के लिख दूंगी, ठीक है। ये मेरा था आर सिक्स। अब मेरा आर सेवन क्या बनेगा, मैंने वन टू कर लिया, वन थ्री कर लिया, अब टू थ्री होगा, क्यूब रूट फाइव एक पेयर इसका, और एक पेयर थर्ड वाला बनाया, ये हो गया आपका आर सेवन। और जो आर एट होगा, रिलेशन एट होगा, उसमें सब कंबाइन करके लिख देते हैं, कंबाइन करके भी आपने लिखना है, ठीक है। वन, और उसके बाद ये है आपका टू, और फिर आपका थर्ड वन है स्क्वायर रूट फाइव एंड क्यूब रूट फाइव। ये आपके एट के एट बाइनरी रिलेशंस हैं जो आपने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। रिमेंबर आपने कैसे किया था, आपने सबसे पहले नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताने के कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का फॉर्मूला है टू रेस्ट टू एम एन। एम एन बेसिकली होता है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन आपने करनी होती है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि इसके एट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैंने एट के एट आपको बना दिए हैं, उस बनाने के लिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दोनों जो सेट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आपने बतानी है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लास्ट एक्सरसाइज में 3.3 में सीखा था, वो आप भूले नहीं होंगे। अब हमारे पास तीन सेट आए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। अब इनको किस तरह से आपने बाइनरी रिलेशन में लिखा, पहला एम्प्टी होता है। बाइनरी रिलेशन बेसिकली होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एम्प्टी होता है, फिर एक एक करके तीनों लिख देने हैं, फिर फर्स्ट सेकंड कंबाइन करके लिखना है, फर्स्ट थर्ड कंबाइन करके लिखना है, और सेकंड थर्ड लिखना है, ठीक है, और लास्ट में तीनों कंबाइन करके लिख देने हैं। सो इस तरह से ये आपके एट के एट एलिमेंट्स, आपके एट के एट बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर पार्ट टू ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। हियर वी हैव सी इक्वल्स टू पाई एंड ई, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस एंड आल्सो मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। अब हम इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस सबसे पहले बताएंगे और हम जितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं वो फाइंड आउट करके बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब सी में कितने एलिमेंट्स हैं, टू, ठीक है। अब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट
फाइंड आउट करनी है कि इसके कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए इन सी नंबर। अब जब भी रिमेम्बर, अब जब भी आपको एक सेट गिवन हो और उसके आपसे बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, आप सी क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे पहले, उसके बाद आप इसके बाइनरी रिलेशंस निकाल लेंगे, यानी उसके मजीद सबसेट्स लिख लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का क्या फॉर्मूला है, टू की पावर एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन होता है, एम होता है फर्स्ट वैल्यू के एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट के एलिमेंट, और एन होता है सेकंड सेट के एलिमेंट्स, बोथ आर सेम, सो टू रेज टू बाय टू टाइम्स बाय टू, टू रेज टू बाय टू टू जा फोर, यानी टू टू जा फोर मीन्स, टू टू जा फोर मीन्स टू क्रॉस टू क्रॉस टू क्रॉस टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन। सो फाइनली व्हाट वी फाइंड कि हमारे कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, दैट आर 16, हमारे 16 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। तो अब हम बाइनरी रिलेशंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बाइनरी रिलेशंस के लिए आपने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी क्रॉस सी में आपका पहला बनता है पाई, यानी मैं आपको यहां पर अगर लिख के बता दूं सी क्रॉस सी बेसिकली क्या होता है, पाई ई को आपने पाई एंड ई के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो पाई को अगर आप नेक्स्ट के साथ फाइंड करेंगे तो पाई पाई बनेगा, देन पाई ई बनेगा। ठीक, उसके बाद ई पाई बनेगा एंड ई ई बनेगा, ये आपके सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए हैं। ठीक है, अब इनका आपने सबसेट फाइंड आउट करना है, सबसेट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस को रिमेंबर आप आर से शो करेंगे। ठीक है, सो आर अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आर में आपने सबसे पहले आर वन बताया, रिमेंबर फर्स्ट सेट हमेशा एम्प्टी होता है। ठीक है, R1 equals to empty. Second, R2. R2 में वन वन करके पहले आपने ये चारों सेट लिखने हैं। ठीक है, R2 में आपने लिखा पाई पाई। ठीक है, उसके बाद R3 में आपने लिखा, R3 आपके पास आ जाएगा पाई ई। R4 E by R5 EE। ठीक है, ये आपका वन वन करके आ गया। ठीक है, अब आपने मैं रेड से मार्क कर दूं ताकि आपको पता रहे कि ये हमारा वन था। मैं वैसे ही मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि आप डिफरेंट पेन से मार्क कर लिया करें फिर, ताकि आपको काम समझने में, करने में, वर्किंग समझने में आसानी हो। हमने ये वन टू थ्री फोर लिख दी है। ठीक है, यानी ये वाला वन था, ये टू था, ये थ्री था, और ये फोर वाला सेट था। अब हमने वन के साथ टू मिलाना है, फिर वन थ्री, फिर वन फोर मिलाना है। ठीक है, आर सिक्स इसमें आपने वन टू मिलाएंगे, पाई पाई को आपने मिलाया पाई ई के साथ, पाई ई। आर सेवन पाई पाई को ई पाई के साथ, आर एट पाई पाई को पाई सॉरी ई पाई के साथ वन थ्री मिलाया, अब वन फोर मिलाएंगे, पाई पाई को आप ई ई के साथ मिलाएंगे। ठीक है, आर एट आर
नाइन, वन टू, वन थ्री, वन फोर हो गया, ठीक है, वन की टर्न खत्म है। अब टू से स्टार्ट करेंगे, टू थ्री करेंगे, फिर टू फोर करेंगे। ये आपका पाई ई, ई पाई, ठीक है, आर टेन, पाई ई, ई पाई, फिर पाई ई एंड ई ई, ये आर टेन हो गया। इसके बाद चलते हैं आर इलेवन पे। आर इलेवन क्या है आपका, आपने मिलाया वन के साथ सबके मिलाया, टू के साथ आपने टू थ्री भी कर दिया, आपने टू फोर भी कर दिया। अब आप करेंगे थ्री फोर, ई पाई, ई ई, ठीक है, ये आपका हो गया थ्री फोर का, ठीक है। वन टू, वन थ्री, वन फोर कर चुके आप, टू थ्री कर चुके, टू फोर कर चुके, अब थ्री फोर कर चुके हैं, ठीक है। अब आप आ जाएं थ्री थ्री पे। पहले आपने वन के साथ एक एक करके मिलाया, अब वन के साथ दो दो करके मिलाएंगे। अब वन टू के साथ पहले मैं थ्री लूंगी, आर ट्वेल्व, वन टू के साथ थ्री लिया, ई पाई, आर थर्टीन, वन टू के साथ थ्री लिया, अब वन टू के साथ फोर लेंगे, वन टू के साथ फोर लिया, आर थर्टीन हो गया। आर फोर्टीन क्या है, वन टू के साथ वन थ्री ले, वन टू के साथ थ्री लिया, वन टू के साथ फोर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वन थ्री के साथ फोर ले, वन थ्री देन फोर, वन है आपका पाई पाई, थ्री है ई पाई, उसके साथ आपने ई ई मिलाया, ये आपने किया वन थ्री फोर। रिमेंबर वन टू के साथ थ्री किया, वन टू के साथ फोर किया, अब वन थ्री के साथ फोर किया, अब टू थ्री फोर करेंगे। टू थ्री फोर, ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल आप चारों के चारों लिख देंगे। आर सिक्सटीन में आपके पास सारे के सारे सेट आ जाएंगे, पाई पाई, पाई ई, ई पाई एंड ई ई, ये आपके पास आर सिक्सटीन, ये आपके सिक्सटीन रिलेशंस बन गए हैं बाइनरी रिलेशन के, ये सिक्सटीन इस तरह से बनेंगे। रिमेंबर आपने शॉर्टकट सीख लेना है, आपने वन टू थ्री फोर लिखना है, आपके पास सेट होंगे, ठीक है। अब वन टू थ्री फोर को आप किस तरह से करेंगे, पहले आपने सिंगल सिंगल लिख देना है, उसके बाद वन टू करना है, वन थ्री करना है, वन फोर करना है, फिर उसके बाद टू थ्री करना है, फिर टू फोर करना है, ठीक है। वन वन की टर्न खत्म हुई, अब वन टू के साथ आप पहले थ्री मिलाएंगे, फिर वन टू के साथ फोर मिलाएंगे, ठीक है, वन की टर्न सब खत्म हो गई। अब फिर आप टू थ्री के साथ फोर मिलाएंगे, ठीक, वन थ्री के साथ फोर मिलाएंगे, अब थ्री थ्री की टर्न भी खत्म हो गई है, अब लास्ट ऑफ ऑल फोर की टर्न आती है, तो आप वन टू थ्री फोर कर लेंगे। इस तरह आपके सिक्सटीन के सिक्सटीन बाइनरी रिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये है आपका पूरा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, योर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इज फाइंड ऑल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ द बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आपके पास एक वैल्यू डी गिवन की हुई है, दैट इज फाइव, ए की एलिमेंट है, ई सेट गिवन किया हुआ है, उसमें टू एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम इनके बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, सो फॉर्मूला इज 2^m × n। m इज बेसिकली व्हाट? m इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, दैट इज 1, एंड n इज व्हाट? n इज द एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, सो दैट आर 2। सो दिस बिकम्स 2^1 × 2, 2^2। तो 2^2 कितना बनता है? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4। इट मींस कि हमारे जो इसके बाइनरी रिलेशंस बनेंगे दैट आर ओनली 4 बनेंगे। सो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, डी क्रॉस ई। तो डी क्रॉस ई में पहले आप 5 को 1 के साथ करेंगे, उसके बाद 5 जो है वो 10 के साथ होगा। ओनली दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ बाइनरी रिलेशंस, अब इसका जो हम निकालेंगे ना सबसेट, दैट इज नोन एज द बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, कि इसके कितने हमारे बनते हैं। अब बाइनरी रिलेशंस को हम आर से शो करते हैं। ठीक, अब आर वन आपका क्या है? आर वन सबसे पहले आपका एम्प्टी सेट होता है। ठीक, उसके बाद आर टू है, आपने वन वन करके, मैं रेड मार्कर से 1 और 2 लिख दूं, आपने एक एक करके पहले बनाना है, रिलेशन बताना है, एक एक करके आपने इनको लिखना है। 5 1, R3 है आपका 5 10। ठीक है, अब उसके बाद R4 आपका आएगा कि आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, 1 and 2 को। अब इसके अलावा फर्दर कुछ नहीं होना है इसका। सो देयर आर ओनली 4 बाइनरी रिलेशंस। तो वो बाइनरी रिलेशंस ये हैं आपके पास। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। इफ पी इक्वल्स टू 789, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम पी टू पी। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें आपको जस्ट वन सेट गिवन किया है। ठीक है, और जब भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है उसके लिए आपको 2 सेट्स चाहिए होते हैं। सो अब देखिए, इन्होंने खुद ही बता दिया कि बाइनरी रिलेशन किसका निकालेंगे, पी टू पी का। यानी पी को आप पी से ही क्रॉस करके उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशंस। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, इन्होंने क्या बताया, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस। आपने 2 बाइनरी रिलेशंस सिर्फ बताने हैं, इसके बहुत सारे बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के बताती हूँ, उसके बाद आप देखिएगा। आपने एनी 2 चूज करने हैं और उन 2 को चूज करके आपने उसी का डोमेन और उसी का रेंज बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे पी क्रॉस पी। इसमें आप लिखेंगे 789 मल्टीप्लाई बाय 789। ठीक है, अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 7 को पहले उठाया, 7 के साथ लिखा 1, 7 की टर्न है उसके बाद 8, देन 7 9। ठीक, अब उसके बाद 7 बारी बारी सबके साथ हो गया, अब 8 की टर्न है, 8 7 8 8 8 9। अब 9 की टर्न है, 9 7 9 8 and 9 9। आप देख लें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2^9 मीन्स कि हमारे बहुत से बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप मोर देन 100 यहाँ पे बनाने बैठे। आपने एनी 2 चूज कर लेने हैं, कर लेने। लेट सपोज कि आपने चूज किया R1, अपना फर्स्ट बाइनरी रिलेशन चूज किया, आप एनी 2 ले लें। ठीक है, मैं लेट सपोज मैं फर्स्ट 2 ले रही हूँ, मैं फर्स्ट 3 भी ले सकती हूँ। ठीक है,
और फर्स्ट फोर भी ले सकती हूँ, इट्स अप टू मी कि मैंने क्या लेना है। ठीक, अच्छा लेट सपोज मैंने 1, 2, 3, 4 में से 1 और 3 ले लिया। ठीक है, मेरा ये भी तो बाइनरी रिलेशन था ही ना। ठीक है, तो मैंने जो फर्स्ट लिया है दैट इज 7, 7 और 7, 9 ले लिया। ठीक है, अब आपने डोमेन ऑफ R1 बतानी है। डोमेन होता है बेसिकली आपका जो भी रिलेशन लिखा हुआ है ना उसका जो फर्स्ट नंबर है ना, दैट इज योर डोमेन, डोमिनेट कर रहा है जहन में। बच्चों को हम इसी तरह से सिखाते हैं कि आपको थोड़ा सा बस ये जहन में रखे, डोमेन मीन जो डोमिनेट कर रहा है, जो पहले आ रहा है। सो दैट इज 7। ठीक है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, सो नो नीड टू राइट 7 अगेन, यू जस्ट राइट 1 टाइम। यहाँ पे अगर 8 होता या डिफरेंट होता तो हम यहाँ पे लिख लेते। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या है? रेंज बोलते हैं सेकंड वाले को, रेंज ऑफ R1। अब सेकंड में आपके पास 7 भी आ रहा है, आपके पास 9 भी आ रहा है, तो 7 और 9 आपके पास क्या हो गए? रेंज हो गए। ठीक है, अब आपने एनी टू, उन्होंने कहे थे आपने जी R2 उठाया। अब मैं R2 थोड़ा सा बड़ा उठाऊंगी। ठीक है, लेट सपोज के 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज में से मैं उठा लेती हूँ 2, 3, 4, 5 उठा रही हूँ। ठीक है, 2 उठाया मैंने, दैट इज 7, 8। 3 उठाया 7, 9, देन 8, 7, देन 8, 8। रिमेम्बर कि जो रिपीट हो रहा होगा आप उसको नहीं लिखेंगे। अब आपने डोमेन ऑफ R2 बतानी है। ठीक है, डोमेन ऑफ R2 यानी इसकी पहली पहली वैल्यूज क्या है? 7, 7, 8, 8। सो नो नीड टू राइट 7, 7 अगेन, यू जस्ट राइट 1 टाइम, यू जस्ट राइट 1 टाइम 8, 7 और 8, डोमेन ऑफ R2। आगे है रेंज, रेंज ऑफ R2, रेंज मीन सेकंड वैल्यू क्या है? 8, 9, 7, 8। सो नो नीड टू राइट 8 अगेन, यू जस्ट राइट 8, 9, 7। सो 7, 8, 9 हमने सीक्वेंस में लिख दिया। सो आपने इस तरह से डोमेन और रेंज निकाल लेनी है, आपने अपनी मर्जी की एनी टू लिख लेनी है रिलेशंस। ठीक है, एनी टू बाइनरी रिलेशंस लेने हैं। ठीक, होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट h इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9 एंड g इक्वल टू 5, 7, 9, 11। वी हैव 5 इन द फर्स्ट सेट एंड 4 इन द नेक्स्ट सेट। सो राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम h टू g इन द टैबुलर फॉर्म। यानी आपने रिलेशंस लिखने हैं, आपने बाइनरी रिलेशंस सब के सब नहीं लिखने, यानी आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट सारे का सारा लिख लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बताना है इज इक्वल टू, जहां पे वो दोनों दोनों नंबर्स इक्वल होंगे वो निकाल के आपने इज इक्वल टू में लिख देने हैं। इज लेस देन, अब जहां जहां पे जो फर्स्ट नंबर था वो लेस था सेकंड नंबर से वो लिख देने हैं। थर्ड इज ग्रेटर देन, जिसमें अब फर्स्ट वाला नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर से वो लिख देना है। इज वन लेस देन, अब जो फर्स्ट नंबर वन लेस है वो लिखना है। फिर इज वन ग्रेटर देन, अब जो पहले वाला नंबर जो वन ग्रेटर देन है सेकंड नंबर से वो लिख देना है। सिक्स में इज टू लेस देन, सिक्स में आपने लिखना है कि पहला नंबर टू लेस देन कहाँ पे है वो वाले लिख देने हैं। अब मैं आपके सामने सबसे पहले एच क्रॉस जी आपको लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, आपने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ ले, फाइंड आउट करना है। तो एच क्रॉस जी आपके पास आएगा 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स बाय 5, 7, 9 and 11। ठीक है, अब आप इसके लिखने लगे हैं
पहला आपके पास आएगा वन के साथ, वन टू थ्री फोर फाइव वैल्यूज है, वन टू थ्री फोर। अब आपने वन वन करना है, वन टू वन थ्री वन फोर करना है, यानी फाइव फाइव वन वन हो गया। अब फाइव सेवन, फाइव नाइन एंड फाइव इलेवन, ये तो वन की टर्न खत्म है। उसके बाद आ जाए आप टू की टर्न पे, सिक्स फाइव, सिक्स फाइव, सिक्स सेवन, सिक्स नाइन, सिक्स इलेवन। अब टू की टर्न भी खत्म, थ्री की टर्न आई है, सेवन फाइव, सेवन सेवन, सेवन नाइन, सेवन इलेवन। अब थ्री की टर्न भी खत्म, फोर की टर्न आई है, एट फाइव, एट सेवन, एट नाइन, एट इलेवन। ठीक है, उसके बाद आ जाए ओके, एट इलेवन के बाद आएगा नाइन की टर्न आएगी, नाइन फाइव, नाइन फाइव, नाइन सेवन, नाइन नाइन एंड नाइन इलेवन। सो दीज आर ऑल द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारे रिलेशंस हैं जो हमने लिख दिए हैं, नॉट द बाइनरी रिलेशंस। अभी हमने बाइनरी निकाले ही नहीं है, इनके बाइनरी तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास सारे रिलेशंस आ गए हैं। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट वाला आपको कह रहा था इज इक्वल टू। अब जो जो इक्वल है उस पे जरा आप टिक कर ले, मैं उस पे वन लिख देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि वो मेरा वन वाला है। इक्वल वाला ये है और फर्स्ट लाइन में और इक्वल वाला कोई नहीं है, सेकंड लाइन में ये है इक्वल वाला और कोई नहीं है, और थर्ड लाइन में एट नाइन एट इलेवन नाइन फाइव नाइन सेवन ये है और ये है। ठीक है, अब ये मेरे इक्वल वाले थे, मैं इसको लिख रही हूँ, फाइव फाइव थे, सेवन सेवन थे एंड नाइन नाइन थे। ठीक है, दीज आर ऑल इक्वल टू। ठीक, अब आप चलिए सेकंड क्या कहता है, इज लेस देन, नंबर टू इज लेस देन। अब लेस देन मीन के पहले वाला नंबर लेस होगा, क्या यहाँ पे पहले नंबर फाइव सेवन में फाइव लेस है? यस, मैं नंबर टू लिख रही हूँ, फाइव लेस है नाइन से, यस नंबर टू, फाइव लेस है, यस नंबर टू, सिक्स ग्रेटर हो गया वहां पे, सिक्स लेस है नंबर टू, और सिक्स लेस है नंबर टू, सिक्स लेस है नंबर टू, सेवन ग्रेटर है, सेवन इक्वल है, सेवन लेस है नंबर टू, सेवन लेस है नंबर टू, एट ग्रेटर है, एट ग्रेटर है, एट लेस हो गया यहाँ पे नंबर टू, एट इलेवन टू, नाइन ग्रेटर है नाइन, सेवन ग्रेटर है नाइन, नाइन इक्वल है नाइन, इलेवन स्मॉलर है। अब टू के हमारे काफी ज्यादा निकल आए हैं, अब आप टू टू वाले लिखते जाएं। इस तरह से लिख लेने का फायदा बड़ा होता है कि वो प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट लाइन में फाइव सेवन आ रहा था, फाइव नाइन आ रहा था और फाइव इलेवन आ रहा है, सिक्स सेवन आ रहा है, सेकंड लाइन में सिक्स नाइन आ रहा है और सिक्स इलेवन आ रहा है और सेवन नाइन आ रहा है और सेवन इलेवन आ रहा है। ये सेकंड लाइन भी कंप्लीट होगी। थर्ड लाइन पे आते हैं, थर्ड लाइन में एट नाइन, एट इलेवन और सेकंड और कोई भी नहीं, और ये लास्ट में नाइन इलेवन। ये था आपका फर्स्ट और
सेकंड पार्ट, फर्स्ट में आपने इक्वल बताए हैं सारे और सेकंड में आपने लेस बताए, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इज ग्रेटर देन। थर्ड पार्ट इज ग्रेटर देन। अब जी ग्रेटर ढूंढते हैं, कौन कौन से ग्रेटर हैं। फाइव फाइव तो इक्वल है, फाइव सेवन इक्वल है, फाइव नाइन स्मॉल, फाइव इलेवन स्मॉल, सिक्स ये वाला ग्रेटर है, थ्री वो स्मॉल था, स्मॉल स्मॉल ये ग्रेटर, थ्री सेवन नाइन स्मॉल, सेवन इलेवन ग्रेटर, सेवन इलेवन स्मॉलर है। अब ग्रेटर में ये आ गया है एट फाइव, एट सेवन और एट नाइन स्मॉलर, एट इलेवन स्मॉलर है, नाइन फाइव ग्रेटर है, नाइन सेवन ग्रेटर है और बस। अब थ्री वाले ध्यान से लिखिएगा, टू और थ्री में डिफरेंस रखे, सिक्स फाइव आ रहा है सबसे पहले, फर्स्ट लाइन में आपके पास एक ही है, दैट इज सिक्स फाइव। उसके बाद सेकेंड लाइन में सेवन फाइव, सेवन फाइव, सेकेंड लाइन में थ्री और कोई भी नहीं है, थर्ड में एट फाइव, एट सेवन, एट फाइव, एट सेवन, एट फाइव, एट सेवन, नाइन फाइव, नाइन सेवन, नाइन फाइव, नाइन सेवन एंड दैट्स ऑल। ये आपका थर्ड पार्ट था। नाउ योर फोर्थ पार्ट इज वन लेस देन, इज वन लेस देन। आप बड़े ध्यान से आपने वन लेस देन ढूंढना है। मैं अब ये ब्लू के साथ ढूंढूंगी ताकि थोड़ा सा फर्क हो जाए, ठीक है। वन लेस देन, फाइव फाइव तो इक्वल था, फाइव सेवन टू का डिफरेंस आ गया है, पहले वाले ने वन लेस होना है, ठीक है। फाइव नाइन में फोर का डिफरेंस है, फाइव इलेवन में डिफरेंस है, सिक्स फाइव में वन ग्रेटर है, सिक्स सेवन में वन लेस है। तो यहां पे ये हमारा फोर्थ पार्ट आ गया। मैं फोर दूसरी तरह से लिख रही हूँ, सिक्स नाइन में थ्री का डिफरेंस है, सिक्स इलेवन में काफी डिफरेंस है, सेवन फाइव में टू का डिफरेंस है, सेवन सेवन इक्वल है, सेवन नाइन में टू का डिफरेंस है, सेवन इलेवन में काफी डिफरेंस है, एट फाइव में थ्री का है, एट सेवन, एट सेवन तो नहीं आ गया क्योंकि बिकॉज ये वन हमें लेस चाहिए, ये वन ग्रेटर है, दिस इज वन लेस, एट इलेवन काफी है, नाइन फाइव ग्रेटर काफी ज्यादा है, फोर का डिफरेंस है, नाइन सेवन में टू का डिफरेंस है, नाइन 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 इलेवन नो, सो ओनली टू नंबर्स आर देयर, सिक्स सेवन एंड एट नाइन। फोर्थ पार्ट में ये दो आए, आगे आ जाओ जी, फिफ्थ पार्ट इज वन ग्रेटर देन, इज वन ग्रेटर। अब वन ग्रेटर मैं ब्लैक पेन से ढूंढूंगी ताकि आसानी रहे, वन ग्रेटर पहले वाला वन ग्रेटर होगा, फाइव फाइव सेम, फाइव सेवन नो नो, फाइव इलेवन नो, ये दिस इज सिक्स, फाइव इज योर वन ग्रेटर, ये नंबर फाइव आ गया, सिक्स सेवन वन स्मॉलर है, सिक्स नाइन स्मॉलर, सिक्स इलेवन स्मॉलर, सेवन फाइव टू का डिफरेंस है, सेवन सेवन सेम, सेवन नाइन स्मॉलर स्मॉलर, एट फाइव ग्रेटर है लेकिन थ्री का डिफरेंस है, एट सेवन वन ग्रेटर, यस एट सेवन वन ग्रेटर है, ये फाइव है आपका, एट नाइन स्मॉलर है, एट इलेवन नो, नाइन फाइव नो, नाइन सेवन नो, नाइन 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 इलेवन नो, सो ओनली वन टू वन एंड टू हियर। एक आपका सिक्स फाइव आया है और एक आपका एट सेवन आया है। फाइव के बाद आ जाए सिक्स पार्ट पे, सिक्स पार्ट इज टू लेस देन, इज टू लेस देन। अब टू लेस देन मींस कि टू कम होंगे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में टू कम होंगे, रिमेम्बर, ठीक है।
रेड ब्लू हो गया। अब मैं अपने ग्रीन मार्कर से कर रही हूँ, टू लेस देन, टू लेस होंगे, दिस इज टू लेस, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। यहाँ पे टू लेस नहीं है, फाइव सिक्स का डिफरेंस है, वन का डिफरेंस है, सिक्स सेवन में वन का डिफरेंस है, सिक्स नाइन में थ्री है, सिक्स इलेवन में काफी है, ये टू ग्रेटर है, टू स्मॉलर, टू लेस चाहिए, टू लेस नहीं है। सेवन एट नाइन, यस दिस इज सेवन इलेवन में काफी है, एट फाइव में थ्री है, एट सेवन में वन ग्रेटर आ गया है, एट नाइन में वन स्मॉलर है, लेकिन हमें टू स्मॉलर चाहिए। एट नाइन भी नहीं है, एट इलेवन भी नहीं है, नाइन फाइव भी नहीं, नाइन सेवन तो टू ग्रेटर है, नाइन नाइन, नाइन टेन इलेवन, यस दिस वन। तो आपके पास फाइव सेवन, सेवन नाइन एंड नाइन इलेवन, ये आपके पास इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। दिस इज अ गेम, आप इसको गेम समझ के सारे आंसर फाइंड आउट करेंगे ना, सो यू रियली एंजॉय, आप वाकई एंजॉय करेंगे, आपको बहुत इसको काम करते हुए ना एक फन फील होगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। योर क्वेश्चन नंबर फाइव इज, लेट सी इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एंड डी इज इक्वल टू फोर सिक्स एट नाइन एंड ट्वेल्व एंड आर इक्वल टू, यानी उन्होंने आपको बाइनरी रिलेशन का एक सेट गिवन कर दिया, ठीक है, जिसमें एक्स वाई सच एज एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी एक्स वाले जो भी एलिमेंट, जो पहले पहले एलिमेंट आ रहे होंगे वो सी से बिलोंग करेंगे एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट आ रहे होंगे वो डी से बिलोंग करेंगे। ये जो साइन होता है ये एंड के लिए होता है, एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई ये आप क्या निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उन्होंने फोर क्वेश्चन दिए, राइट आर इन अ टेबुलर फॉर्म, ये जो आर है ना आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब वो बाइनरी रिलेशन वाला कौन सा सेट है जिसे आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, आगे डोमेन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, उसी आर के डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें। उसके बाद थर्ड नंबर पे फाइंड आर इनवर्स, अब वो जो आपने आर सेट निकाला होगा टेबुलर फॉर्म में उसी का आपने इनवर्स निकालना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे रिप्रेजेंट आर बाय द एरो डायग्राम, एक एरो डायग्राम है उसके थ्रू आपने उस आर सेट को रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो बाइनरी रिलेशन है ये निकालने के लिए, वो आर सेट निकालने के लिए बेसिकली वी नीड सी क्रॉस डी, हमें सी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, देन हम ये आर सेट निकाल सकते हैं अपना। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, टू फोर सिक्स क्रॉस फोर सिक्स एट नाइन ट्वेल्व, एज यू नो अभी सबसे पहले आता है टू फोर टू सिक्स टू एट टू नाइन टू ट्वेल्व, इसी तरह फोर ने बारी बारी जाना है, इसी तरह सिक्स ने बारी बारी जाना है, फोर 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 सिक्स फोर एट फोर नाइन फोर ट्वेल्व, अब सिक्स की टर्न है, सिक्स फोर सिक्स 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 एट सिक्स नाइन सिक्स ट्वेल्व। अब आते हैं हम अपना वो जो सेट है आर इस पे। अब आर सेट क्या है, सबसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये लास्ट वाला जो लिखा हुआ है, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, एक्स यानी पहला एलिमेंट, पहला जो नंबर है वो फैक्टर होगा, वाई मीन सेकंड का। अब इन पेयर इनमें से इन पेयर्स में से आपने वो पेयर सिलेक्ट कर लेने हैं कि जिसमें पहला नंबर जो है वो दूसरे का फैक्टर है। फैक्टर मीन्स कि क्या उसका टेबल उस पे आ जाता है, यानी उसके टेबल में वो नंबर आता है, क्या टू के टेबल में फोर आता है, यस
टू के टेबल में 6 आता है, यस। टू के टेबल में 8 आता है, यस। टू के टेबल में 9 नहीं आता, 12, यस। फोर के टेबल में 4 आता है, यस। फोर के टेबल में 6 नहीं आता, फोर के टेबल में 8, यस। फोर 9, नो। फोर 12, यस। सिक्स के टेबल में 4 नहीं आता, सिक्स के टेबल में 6 आता है, सिक्स के टेबल में 8 नहीं आता, सिक्स के टेबल में 9 नहीं आता, सिक्स के टेबल में 12 आता है। अब ये सारे आपके आर हैं, ठीक है। अब आर हम अपने लिख लेंगे, 2 4, 2 6, 2 8, 2 12, 2 12, 4 4, 4 8, 4 12, 6 6, 6 12, ये आगे आपके पास आर आ गया। अब हम जाते हैं नंबर 1 पे। आर को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जी, हम आर को टेबुलर फॉर्म में, ये अपना फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड पे है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आर। अब उस आर की डोमेन एंड रेंज आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये वाला जो सेट था, एज यू वेरी वेल नो कि डोमेन क्या होती है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन है। सो जो रिपीट होगा आप उसे यूज नहीं करेंगे, यू जस्ट राइट वन टाइम, ठीक। आपकी डोमेन क्या आ गई, 2 आ गई, उसके बाद 4, देन 6, उसके बाद है रेंज ऑफ आर। अब आर की रेंज क्या है, सेकेंड वाले एलिमेंट 4 6 8 12, 4 6 8 12, फिर 4 6, 4 8, 12 6 12, रिपीट हो रहे हैं, एंड दैट्स ऑल, दीज आर द रेंज ऑफ आर। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कह रहे हैं फाइंड आर इनवर्स, यानी ये जितना आर लिखा है ना, आपने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स क्या है, इनवर्स बेसिकली ये है कि आप x को y बना देंगे, यानी ये वाला आप नंबर आप इधर ले जाएंगे, सबको इसी तरह से उलट देंगे, ये आपका इनवर्स है। पहला बनेगा आपका 4 2, फिर बनेगा 6 2, फिर बनेगा आपका 6 2, फिर 8 2, फिर 12 2, 4 4 एज इट इज रहेगा, 8 4, 12 4, 6 6, और लास्ट में आपके पास है 12 6, ठीक है। ये बन गया, ये आपका आर इनवर्स आ गया। फोर्थ नंबर पे वो कह रहे हैं कि आपने रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से। अब एरो डायग्राम कौन सी होती है, एरो डायग्राम ये होती है कि एक साइड पे हम इसके एक्स के एलिमेंट लिख लेते हैं, एक साइड पे हम वाई के एलिमेंट लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिए एक्स के एलिमेंट थे, सॉरी सी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट लिखने हैं। सी के एलिमेंट थे आपके पास 2 4 6, डी के एलिमेंट थे 4 6 8 एंड 12। आपने रिप्रेजेंट आर, अब यही वाला जो असल वाला जो आपका आर है ना, इसे आपने यहां पे शो करना है। पहला क्या है आपका 2 4 है, यानी आपने 2 को 4 से मिला दिया। फिर आपका 2 6 है, आपने 2 6 मिला दिया। फिर है 2 8, आपने 2 को 8 से मिला दिया। फिर है 2 12, आपने 2 को 12 से मिला दिया। अब मैं दूसरा कलर यूज करूंगी ताकि 4 थोड़ा सा अलग से शो हो जाए। 4 4 है, 4 को 4 से मिलाना है। 4 8, 4 को 8 से मिलाना है। 4 12, 4 को 12 से मिला देना है। अब आगे आ जाती है 6 की टर्न, 6 के लिए भी मैं अलग यूज करूंगी। 6 6 है और 6 12 है, ये आपकी एरो डायग्राम है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6।
लेट आर इक्वल्स टू 20 426 486 108 नंबर वन राइट आर, ये रिलेशन सेट आपको गिवन किया हुआ है. राइट आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर. अब वो जो आर वाला सेट है आप उसको आर इनवर्स में लिखेंगे, उसके बाद आप उसे टैबुलर में लिखेंगे और सेट बिल्डर में लिखेंगे. नंबर फोर पे आप रिप्रेजेंट करेंगे इस आर वाले सेट को जो आपके पास टैबुलर फॉर्म सेट टैबुलर फॉर्म में आया हुआ है, और आर इनवर्स वाला जो टैबुलर फॉर्म में आया हुआ है आपने उसको एरो डायग्राम में शो करना है. ठीक है, सबसे पहले हम राइट आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अब आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसकी कोई टेक्निक पता होनी चाहिए कि ये सेट किस तरह से लिखा हुआ है. अब आप हम अगर गौर करें इन नंबर्स के ऊपर 20 426 486 108, यानी अगर हम देखें कि 204 में से माइनस करते हैं 2 तो उसका आंसर 2 आता है, 2 में से 0 माइनस करें उसका आंसर 2 आ रहा है, 6 में से 4 माइनस करें आंसर 2 आ रहा है, 8 में से 6 माइनस करें उसका आंसर 2 आ रहा है, 10 में से 8 माइनस करें उसका आंसर 2 आ रहा है. यानी इन सब की टेक्निक कुछ इसी तरह से चल रही है कि जो फर्स्ट नंबर में से हम सेकंड नंबर माइनस करें तो वो इक्वल्स टू 2 आ रहा है. यानी इफ आवर फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y तो हमने क्या करना है कि हमारे पास क्या ये टेक्निक बन रही है, हमारे पास ये टेक्निक बन रही है x माइनस y इक्वल्स टू 2. तो हम अपने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे इस तरह से कि r इक्वल्स टू हमारा पहला x है और दूसरा y है, x एंड y. अच्छा सच है क्या होगा? अब आपके पास ये क्या फॉर्म आ रही है कि x माइनस y इक्वल्स टू 2, कि फर्स्ट में से हमने सेकंड माइनस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 2. सो दैट्स ऑल, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म बन गई है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था और सेकंड पार्ट का आंसर डोमेन एंड रेंज. यू नो वेरी वेल कि आपके पास कोई भी रिलेशन लिखी हो उसमें जो फर्स्ट वाला नंबर होता है दैट इज द डोमेन. तो अब हमारे पास आर में डोमेन क्या है, 2 4 6 8 10 है. ठीक है, डोमेन इन आर, तो हमारे पास डोमेन क्या है 2 4 6 and 8. ठीक है, उसके बाद हमने रेंज लिखनी है, रेंज इन आर क्या है सेकंड वाला नंबर. अब सेकंड वाले नंबर क्या है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 and 8. ठीक है, इसका था 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10 थी ये. ठीक है, अब ये हमने सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया. थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं. थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं कि राइट आर इनवर्स इन द टैबुलर एंड द सेट बिल्डर फॉर्म. अब सबसे पहले हम आर इनवर्स लिखेंगे. यू नो आर इनवर्स क्या है? आर इनवर्स इज द रिवर्स ऑफ आर. यानी हमने उसमें जो एक्स वाई लिखा हुआ है हमने उसमें एक्स को वाई और वाई को एक्स बना देना है. ठीक है, अगर ये सेट 2 0 है दिस बिकम्स 0 2, अगर ये सेट 4 2 है दिस बिकम्स 2 4, देन 4 6, देन 6 8, देन 8 10. ये आपके पास आर इनवर्स आ गया. अब इस आर इनवर्स को आपने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में. अब आर इनवर्स को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब हमारे पास इसकी क्या टेक्निक बनती है, 0 2 है, 2 4 है, 4 6 है, फर्स्ट का तो सेकंड के साथ कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो रहा. हाँ, सेकंड वाले का फर्स्ट के साथ सोल्यूशन पॉसिबल हो रहा है. ठीक है, अगर हम इसको एक्स और इसको वाई कहते हैं तो 2y - x = हमारे पास आ रहा है 2. 2 - 0 = 2, 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, 10 - 8 = 2. यानी जो टेक्निक बन रही है वो y से बन रही है. ठीक,
अब आपने जब पहले लिखा था एक्स एंड वाई सच एज, अब आप लिखेंगे वाई एंड एक्स सच एज वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू टू। ये आपके पास इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। ठीक, अब वो कह रहे हैं नंबर फोर्थ पार्ट में आपको कि रिप्रेजेंट करें आर एंड आर इनवर्स को इन द एरो डायग्राम। ठीक है, अब एरो डायग्राम में शो करने के लिए आर को और आर इनवर्स को आप कैसे करेंगे? आर और आर इनवर्स को शो करने के लिए हमारे पास कोई एज सच कोई ए और बी सेट तो दिए नहीं है। लाजमी बात है हमारे पास एक डोमेन और रेंज दोनों के अलग अलग सेट होने चाहिए। आर वाले का तो डोमेन रेंज है, अब हम क्या करेंगे आर इनवर्स की डोमेन रेंज निकाल लेंगे जब हमने इसकी एरो डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब मैं पहले आर की एरो डायग्राम बनाऊंगी। मैं ऊपर हेडिंग दे रही हूं एरो डायग्राम ऑफ आर। अब आर की एरो डायग्राम किस तरह से बनेगी? एरो डायग्राम के लिए आपके पास टू सर्कल्स होने चाहिए। ठीक है, आर के क्या थे आपके पास रेंज में? टू फोर सिक्स एट टेन, आपने लिख देना है टू फोर सिक्स एट टेन। अब आर की रेंज क्या थी? जीरो टू फोर सिक्स एंड एट। अब देखें इसके इसका रिलेशन क्या बना हुआ था, टू जीरो बना हुआ था। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू जीरो, आपने रिलेशन बनाना है टू जीरो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर टू, आपने फोर टू बना देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिक्स फोर, सिक्स फोर बना देना है। एट सिक्स लिखा हुआ है एंड टेन एट लिखा हुआ है, ये आप इस तरह से यहाँ पे बना देंगे। अब आप आते हैं आर इनवर्स वाली डायग्राम पे, इसी का ही आपने आर इनवर्स निकालना है। आर इनवर्स के लिए आपके पास डोमेन होनी चाहिए और आपके पास रेंज होनी चाहिए। डोमेन इसकी क्या है? जीरो टू फोर सिक्स एट, जीरो टू फोर सिक्स एंड एट। ठीक है, रेंज क्या है? टू फोर सिक्स एट टेन, टू फोर सिक्स एट एंड टेन। अब आप बनाएंगे सर्कल्स। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे नंबर्स, नंबर्स लिखे डोमेन वाले के आपके आए हैं जीरो टू फोर सिक्स एंड एट और उसके आए हैं टू फोर सिक्स एट एंड टेन। अब इसका आर इनवर्स का देखें क्या बना हुआ है। आर इनवर्स का बना हुआ है जीरो टू जीरो टू, टू फोर टू फोर, फोर सिक्स फोर सिक्स, सिक्स एट सिक्स एट, एट टेन एट टेन। ये आपने एरो डायग्राम बना दी इसकी आर की भी और आर इनवर्स की भी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी तक हम आर इनवर्स करते आए हैं, एरो डायग्राम भी करते आए हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट नहीं है उनसे। बस इसमें हमने जो नई चीज की है वो हमने टेबुलर फॉर्म बनानी सीखी है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेवन। लेट ए इज इक्वल टू जीरो वन थ्री एंड बी इक्वल्स टू वन टू थ्री फाइव सेवन। राइट आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन। ये मैं जब आपको करूंगी ये मैं आपको उस टाइम एक्सप्लेन करूंगी। इस सारे को इस जो आपको ये रिलेशन गिवन किया हुआ है इस सारे को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद जब आप टेबुलर फॉर्म में लिख लें उससे फिर आपने आर इनवर्स में करना है। ठीक है, अच्छा अब टेबुलर फॉर्म बनाने से पहले हमारे पास सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे तब हम ये वाला रिलेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, जीरो वन थ्री टाइम्स बाय वन टू थ्री फाइव एंड सेवन। अब आपने क्या करना है, जीरो वन जीरो को बारी बारी सबके साथ कर लेना है, जीरो टू जीरो थ्री जीरो फाइव जीरो सेवन।
ठीक है। उसके बाद वन वन की टर्न है, आपने करना है वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फाइव, वन सेवन। उसके बाद आ जाए थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फाइव एंड थ्री सेवन। ये सारे आ गए आपके पास ए क्रॉस बी। अब आपने आर बताना है, आर क्या है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बाद में बताती हूँ। आर है आपके पास, असल में वो बता रहे हैं कि आपको जो फर्स्ट वाला नंबर है वो बिलोंग करेगा ए से, और जो सेकंड वाला नंबर है वो बिलोंग करेगा बी से। एक्स हमेशा फर्स्ट नंबर होता है, वाई हमेशा सेकंड नंबर होता है, ठीक है। अब आपने वो नंबर चूज करने हैं जो फर्स्ट वाले नंबर को टू से मल्टीप्लाई करें और उसमें वन ऐड करें तो वो वाई के इक्वल है, यानी वो सेकंड के इक्वल है। यानी आप अपने फर्स्ट नंबर को टू से मल्टीप्लाई करें, उसमें वन ऐड करें। अब मैंने जीरो को टू से मल्टीप्लाई किया, आई गेट जीरो। इसमें मैंने वन ऐड किया तो ये मेरे वाई के, ये सेकंड नंबर के इक्वल आ गया। यस, ये हमारा पहला टेबुलर फॉर्म में ये वाला आ रहा है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में मैंने जीरो को टू से मल्टीप्लाई किया, टू जीरो जीरो, उसमें वन ऐड किया तो ये सिर्फ वन बनता है, वन टू के इक्वल नहीं है, ये नहीं आएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर हमने थर्ड वाले को चेक किया, जीरो टाइम्स बाय टू इज जीरो प्लस वन, वन नॉट इक्वल टू थ्री, इसको छोड़ देते हैं। जीरो टाइम्स बाय टू प्लस वन, जीरो टाइम्स बाय टू इज जीरो प्लस वन इज वन, वन नॉट इक्वल टू फाइव, जीरो फाइव भी छोड़ दिया। जीरो को आपने टू से मल्टीप्लाई किया, जीरो टू जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन, वन नॉट इक्वल टू सेवन, जीरो सेवन भी हमने छोड़ दिया। अब हमने क्या किया, एक्स वाले को आपने टू से मल्टीप्लाई करना, यानी आपने वन को टू से मल्टीप्लाई करना, टू वन जा वन प्लस वन थ्री हो जाता है, थ्री नॉट इक्वल टू वन, लीव दिस ऑल्सो। अब आप आ जाए वन टू के ऊपर, वन को टू से मल्टीप्लाई करें, वन टू जा टू, उसमें प्लस वन किया, थ्री हुआ थ्री नॉट इक्वल टू टू, लीव दिस ऑल्सो। फिर आपके पास क्या आया, वन है, वन को टू से मल्टीप्लाई करें, वन टू जा टू प्लस वन थ्री, यस थ्री इक्वल्स टू थ्री आ रहा है, ये वाला भी आ जाएगा। इसी तरह से आपने इसको वन को टू से मल्टीप्लाई करें, वन टू जा टू प्लस वन थ्री, थ्री नॉट इक्वल टू फाइव, इसी तरह से वन टू जा टू प्लस वन थ्री नॉट इक्वल टू सेवन, तो आगे आ जाते हैं थ्री, ये ग्रेटर नंबर है, फिर भी इसको चेक कर लेते हैं, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन, ये नहीं आएगा, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन, ये भी नहीं आएगा टू के इक्वल, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन, ये भी नहीं आया, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन भी नहीं फाइव के इक्वल, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन, यस ये आ गया। अब आपके रिलेशन में जो आते हैं पेयर्स वो आ रहे हैं जीरो वन, वन थ्री एंड थ्री सेवन, सिर्फ ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, टेबल फॉर्म में लिख दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप इसका आर इनवर्स निकालें। आर इनवर्स बेसिकली क्या होता है कि आपने वैल्यूज उलट देनी है, आपने एक्स को वाई और वाई को एक्स बना देना है। अब ये जीरो वन लिखा हुआ है, दिस बिकम्स वन जीरो, दिस बिकम्स थ्री वन एंड दिस बिकम्स सेवन थ्री, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर एट। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 to 4, 8 and t is equal to 3 raised to power 0, 3 raised to power 1, 3 raised to power 2. Then write the following binary relations in the tabular form. अब आप लोग सोच रहे होंगे 8 to 9 question combine क्यों लिखा है, ठीक। इसमें बात ये है कि आप देखिए, मैंने following word को underline किया है, it means following का मतलब होता है नीचे दिए गए। अब अगर हम खाली 8 question को consider किए करें तो 8 question में तो नीचे कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन 8 क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। ये बेसिकली अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 9 कंसीडर ना करें
तो ये एट का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये जो फॉलोइंग रिलेशंस गिवन किए हुए हैं ना, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक। आपके पास सेट एस है और सेट टी है, ठीक। सबसे पहले हमारे पास इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे तो हम ये वाले रिलेशंस बीच में से निकाल सकेंगे, ठीक है। और उन रिलेशंस, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। अब जब आप आर वन के सारे निकाल लेते हैं रिलेशंस, तो आपने क्या करना है, उसी की डोमेन और उसी की रेंज भी साथ ही लिख देनी है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एस क्रॉस टी। एस क्रॉस टी बेसिकली क्या है, हम इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे। बहुत दफा कर चुके हैं, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। एज यू नो कि 3^0 1 होता है, बट हम 3^0 ही लिखेंगे, 3^1 एंड 3^2। अब जहां जहां पे 3^0 है वहां पे हमने 3^0 ही लिखना है। सो फर्स्ट कम्स 1 3^0, 1 3^1, 1 3^2, then 2 3^0, 2 3^1, and 2 3^2। उसके बाद आ जाए 4 3^0, 4 3^1, 4 3^2। अब 8 की टर्न है, 8 3^0, 8 3^1, एंड 8 3^0। अब ये सारे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिए हैं। अब इन कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपने क्या करना है कि इनमें से आपने क्वेश्चन नंबर 9 के जो सारे आपको ये रिलेशंस बताए हुए हैं, ये वाले रिलेशंस आपने लिखने हैं, फाइंड आउट करने हैं इसमें से, और फिर उनकी आपने डोमेन और रेंज बतानी है। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट आर वन, फर्स्ट रिलेशन हमें क्या कह रहे हैं, एक्स वाई सच एज एक्स बिलोंग्स टू एस एंड वाई बिलोंग्स टू टी, यानी एक्स हमारा पहले वाला होगा और वाई हमारा सेकेंड होगा, एंड एक्स इक्वल्स टू वाई। अब इस सारे में से हमने वो अब चूज करना है जिसमें जो एक्स हो वो वाई के इक्वल हो, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल हो। अब ये देखें, ये वन है। 3^0 क्या होता है, किसी भी वैल्यू की पावर जीरो हो, दैट इज इक्वल्स टू वन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आर वन में, मैं साथ साथ लिखूंगी ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। 1 3^0 आपके पास आ गया। उसके बाद चलते हैं 1 3^1 इज 3, सो 1 not equals to 3, दोनों इक्वल नहीं है, सो लीव दिस। 1 3^2 3^2 इज 9, so 1 is not equal to 9, leave this. 2 3^0 3^0 is 1, so 1 not equals to 2, so leave this. 2 3^1 2 3 के इक्वल नहीं है, leave this. 2 3 3s are 9 2 9 के इक्वल नहीं है, leave this. 4 3^1 3^0 is 1, 1 4 के इक्वल नहीं है, leave this. 4 not equals to 3, 4 3 3s are 9, 4 not equals to 9, leave this. 8 3^0 3^0 is 1, 8 not equals to 1, 8 not equals to 3, and 8 3 3s are 9, 8 bhi 9 ke equal nahi hai. Sirf just R1 hamare paas yahi aaya hai. Ab iski aapne domain bhi batani hai, iski range bhi batani hai. Iski domain kya aayegi, 1. Iski range kya aayegi aapke paas, 3^0. No need to write 1. 3^0 है तो 3^0 ही आपने लिखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू में क्या कह रहे हैं, R2 में रिलेशन टू में आपसे ये कहा जा रहा है कि x और y, such as x belongs to s, x जो है पहला सेट होगा, y belongs to t, y जो है सेकंड सेट होगा, and x less than y. अब आपने जहां जहां पे फर्स्ट वाला नंबर सेकंड नंबर से लेस है वो वाले सेट आपने R2 में लिखने हैं। अब चेक करते हैं, फर्स्ट वाला नंबर सेकंड से लेस होना चाहिए, ठीक है, सेकंड वाला ग्रेटर होना चाहिए।
वन और थ्री रेस टू पावर जीरो, ये तो वन वन सेम थे, फर्स्ट वाले ने सेकंड से लेस होना है वन और ये थ्री, यस ये वाला आ जाएगा इसमें। आर टू में पहला जो बनेगा दैट इज वन थ्री रेस टू पावर वन। अब दूसरा चेक करते हैं, वन थ्री थ्री जा नाइन, यस ये भी आएगा वन थ्री रेस टू पावर टू। अब आगे है टू, थ्री रेस टू पावर जीरो इज वन, नहीं वन ग्रेटर, टू ग्रेटर, फर्स्ट वाला ग्रेटर आ गया, लीव दिस। अब इसमें टू और थ्री, यस ये इसमें स्मॉलर है, टू एंड थ्री रेस टू पावर वन, देन टू और थ्री थ्री जा नाइन, ये भी आएगा इसमें थ्री स्क्वेयर। अब आ जाए फोर थ्री रेस टू पावर जीरो, ये ग्रेटर आ गया, फोर थ्री से ग्रेटर है, फोर थ्री स्क्वेयर मीन नाइन, फोर नाइन से स्मॉलर है, सो फोर थ्री स्क्वेयर आएगा इसमें। एट थ्री रेस टू पावर जीरो, थ्री रेस टू पावर जीरो इज वन, सो एट एट ग्रेटर आ गया, स्मॉलर आना चाहिए, स्मॉलर आना चाहिए, ये एट वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। एट थ्री रेस टू पावर जीरो, एट ग्रेटर है ये नहीं आएगा, स्मॉलर हो तो आ सकता है। एट थ्री रेस टू पावर वन, एट वाला ग्रेटर है नहीं आएगा फर्स्ट वाला। एट थ्री स्क्वेयर, यहाँ अब फर्स्ट वाला आपके पास स्मॉलर है, अब आप इसे लिख सकते हैं एट थ्री रेस टू पावर टू। ये आपके पास आर टू का सेट आ गया है। अब आपने क्या करना है, इसके डोमेन और रेंज लिखनी है। एज यू नो डोमेन हमेशा हमारा फर्स्ट वाला नंबर होता है और रेंज हमेशा हमारा सेकंड वाला नंबर होता है। तो डोमेन क्या आ रही है, डोमेन ऑफ आर टू क्या आ रही है, वन जो रिपीट होगा वो नहीं लिखना है, वन टू फोर एंड एट, वन टू फोर एंड एट ये आ रही है। और रेंज ऑफ आर टू क्या आ रही है आपके पास, सेकंड वाले नंबर है, थ्री रेस टू पावर वन आ रहा है, थ्री रेस टू पावर टू आ रहा है, वन है रिपीट हो रहा है, टू रिपीट हो रहा है, टू रिपीट हो रहा है और टू रिपीट हो रहा है, एंड दैट्स ऑल। ये आपके पास रेंज ऑफ आर टू आ गई है। अब आपका थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, आर थ्री थर्ड रिलेशन बोल रहा है कि आपके पास x y such as x belongs to s, y belongs to t and first और second number को plus करेंगे तो वो belong करेगा e, e is for even number, e is for even numbers, even number कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 यानी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा number जो 2 पे divide हो जाएगा, ठीक। अब हमने इसमें से ऐसा नंबर जो टू पे दोनों को प्लस करके ऐसा नंबर जो टू पे डिवाइड हो जाए वो वाले हमने पेयर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। हमारा अब है थर्ड वाला पार्ट दैट इज आर थ्री। सो रिलेशन थ्री हमारे पास आ रहा है, थ्री रेस टू पावर जीरो इज वन एंड वन प्लस वन इज टू, यस ये आ जाएगा वन एंड थ्री रेस टू पावर जीरो। उसके बाद वन प्लस थ्री रेस टू पावर वन इज थ्री, थ्री प्लस वन इज फोर, दोनों को प्लस करके इवन नंबर बनता है, यस ये भी आएगा। उसके बाद वन प्लस थ्री स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर इज नाइन, नाइन प्लस वन इज टेन, यस इसमें ये भी आएगा। उसके बाद टू प्लस थ्री रेस टू पावर जीरो इज वन, टू प्लस वन इज थ्री, ये नहीं आएगा। टू प्लस थ्री इज फाइव, ये भी नहीं आएगा। 2 plus 3 square is 9, 9 plus 2 11, ये भी नहीं आएगा। 4 plus 3 raised to power 0 is 1, 4 plus 1 is 5, ये भी नहीं आएगा। 4 plus 3 is 7, ये भी नहीं आएगा। 4 plus 3 square is 9, 9 plus 4, 13, ये भी नहीं आएगा। 8 plus 3 raised to power 0 is 1, 8 plus 1 is 9, ये भी नहीं आएगा। 8 plus 3, 9, 10, 11, ये भी नहीं आएगा। 8 plus 3 square is 9 और 8 plus 9 is 17, ये भी नहीं आएगा। सो ये हमारे तीन हमारे पास आगे हैं रिलेशन थ्री के, ठीक है। अब इनके ही आपने डोमेन बतानी है। R3 की डोमेन है 1 और 1 ही है,
और इसकी रेंज क्या है, रेंज आ रही है 3 रेस्टू पा 0, 3 रेस्टू पा 1 एंड 3 रेस्टू पा 2, 3 रेस्टू पा 0, 3 रेस्टू पा 1 एंड 3 रेस्टू पा 2, ये इसकी रेंज आ रही है। अब है फोर्थ पार्ट आपका, आर फोर आपका ये कह रहा है कि एक्स वाई सच एज एक्स बिलोंग्स टू एस, वाई बिलोंग्स टू टी एंड एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई बिलोंग्स टू ओ। ओ मींस ओड, ऑड नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, ऐसे नंबर्स जो टू पे डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो आ जाते हैं 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, इस टाइप के नंबर्स आते हैं, ठीक है। लेट्स चेक हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, आर फोर में कौन कौन से नंबर्स आएंगे। अभी 3 रेस्टू पा 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, सो ये हमारा ऑड बनता है, यस 1 एंड 3 रेस्टू पा 0 आ रहा है इसमें। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 वन जा 3, यस ये आ रहा है आपके पास ऑड नंबर 1, 3 रेस्टू पा 1, 1, 3, 3 जा 9, 9 वन जा 9, यस ये भी आ रहा है। उसके बाद आ जाए 2 रेस्टू पा 0 इज 1, 2 वन जा 2, ये नहीं आ रहा। 2, 3 जा 6, ये भी नहीं आ रहा। 3, 3 जा 9, 9, 2 जा 18, ये भी नहीं आ रहा। 3 रेस्टू पा 0 इज 1, 4, 1 जा 4, ये भी नहीं आ रहा, इवन बनता है। 3, 1 जा 3, 4, 3 जा 12, ये भी नहीं आ रहा। 3, 3 जा 9, 9, 4 जा 36, वो भी नहीं आ रहा। 3 रेस्टू पा 0 इज 1, 1, 8 जा 8, ये भी नहीं आ रहा। 3 रेस्टू पा 1 इज 3, 3, 8 जा 24, ये भी नहीं आ रहा। 3 स्क्वायर इज 9, 9, 8 जा 72, ये भी नहीं आ रहा। ओनली 3 आर द रेंजेस। अब इन रेंजेस की आपके पास डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर फोर। पहला नंबर आ रहा है 1, सो 1 ही आगे, सब में 1 है। और रेंज क्या है, 3 रेस्टू पा 0, 3 रेस्टू पा 1, 3 रेस्टू पा 0, 3 रेस्टू पा 1 एंड 3 रेस्टू पा 2, ये वाले नंबर्स आपके पास रेंज में आ रहे हैं। अब आपका लास्ट पार्ट है, आपने रिलेशन 5 बताना है, और रिलेशन 5 आपने ये बताना है एक्स वाई सच एज एक्स बिलोंग्स टू एस एंड वाई बिलोंग्स टू टी एंड वाई ग्रेटर देन 2x, यानी हमने जो फर्स्ट वाला नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो फिर भी y से लेस आ रहा है, यानी सेकंड वाला नंबर फिर भी बड़ा है, फिर वो आपने वो वाले सेट लिखने हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट वाले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सेकंड वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर वो कंपैरिजन में फर्स्ट वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी छोटा रहता है और सेकंड वाला नंबर ग्रेटर रहता है, तो वो आपके इस आर फाइव में आ जाएगा। अब हम अपने एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा एक्स था, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 वन जार 2, और ये सेकंड वाला नंबर है 1, यहां पे तो ये ग्रेटर आ गया, सो ये कंसिडर नहीं होगा। हमारा फर्स्ट वाला नंबर है 1, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 वन जार 2 बना, जो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी सेकंड वाले नंबर से छोटा है, तो ये कंसीडर हो जाएगा। अब हमारे 5 पार्ट में क्या आएगा, आर 5 इक्वल्स टू पहला नंबर आ रहा है 1 एंड 3 रेस्टू पा 1। अब सेकंड चेक करते हैं, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 वन जार 2 और 3, 3 जार 9, यस ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी छोटा है, ये भी कंसीडर होगा। पहले सब पे टिक लगाने, एक ही दफा पे लिखेंगे। अब इसको 2, 2 जा 4 किया, 4 जो है वो 1 से ग्रेटर है, ये कंसीडर नहीं होगा। 2, 2 जा 4, 4, 3 फर्स्ट वाला नंबर सेकंड से ग्रेटर है, ये भी कंसीडर नहीं होगा। 2, 2 जा 4, यस 4, और सेकंड वाला नंबर बनता है 3, 3 जा 9, यस 4 इज लेस देन
नाइन, सो ये वाला नंबर भी कंसिडर होगा। आ जाते हैं इधर, फोर टू जा एट, एट फर्स्ट वाला नंबर सेकंड से ग्रेटर आ रहा है, वन से ग्रेटर आ रहा है, सो लीव दिस, हमारा सेकंड नंबर ग्रेटर आना चाहिए। फोर को टू से मल्टीप्लाई किया, फोर टू जा एट, एट जो है वो थ्री से ग्रेटर है, सो नॉट कंसिडर्ड। फोर टू जा एट एंड थ्री थ्री जा नाइन, यस ये कंसिडर होगा बिकॉज इसका सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर को टू से मल्टीप्लाई करें तो भी वो सेकंड नंबर से स्मॉलर आ रहा है। एट एंड एट टू जा सिक्सटीन करेंगे और सिक्सटीन जो है थ्री डैश टू का जीरो यानी वन से ग्रेटर आ रहा है, नॉट कंसिडर्ड। एट थ्री से ग्रेटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बहुत ग्रेटर हो जाएगा, सो नॉट कंसिडर्ड। एट एंड थ्री थ्री जा नाइन, यस ये मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं सॉरी ये कंसिडर नहीं होगा। एट टू जा सिक्सटीन और सिक्सटीन जो है वो नाइन से ग्रेटर है, ये कंसिडर नहीं हो रहा, गलती से लगा है। सो अब आपके जो आ रहे हैं आर फाइव में, एक वन थ्री रेस टू बा वन आ रहा है, दूसरा वन थ्री रेस टू बा टू आ रहा है, तीसरा आपके पास टू थ्री रेस टू बा टू आ रहा है, फिर आपके पास फोर एंड थ्री स्क्वेयर आ रहा है, ठीक है। अब आपने इसकी डोमेन बतानी है, डोमेन ऑफ आर फाइव, आर फाइव की डोमेन आपके पास आ रही है फर्स्ट वाले नंबर्स वन टू एंड फोर, वन टू एंड फोर, और आपके पास रेंज आ रही है, ये आपकी इस तरह से रेंज बन जाएगी थ्री रेस टू पा वन एंड थ्री रेस टू पा टू। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन एक्सरसाइज 3.4 का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरह से समझ आएगी, आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको ये चैनल आपको फ़ायदा पहुँचाता है तो आप इसको ज़रूर देखें और आगे भी दूसरों को बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।